अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 2 सून वैली का और हम जा रहे हैं खब की लेक की तरफ। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं देखी तो अभी और इसी वक्त देख लीजिए पिछली एपिसोड इसी प्लेलिस्ट में पीछे जाकर, और अगर आप देख चुके तो आपकी याद दहानी के लिए। जहाँ पर हम हैं अब ये सामने जो पहाड़ हैं इनसे हम आगे जाएंगे और नीचे उतर जाएंगे सून वैली में, और जहाँ हम कवर करेंगे इंशाल्लाह खब की लेक और उचाली लेक। जी खबे की बोले, खबे की, खब की, खब की, खब की, खबे, खब, खब की, खब, खबे की, खबे की, खबे की लेक। खैर जनाब, जब आप कल कहार से खब की लेक का सफ़र करेंगे तो जगह जगह आपके दिल दिमाग और ज़ुबान से सुबहान अल्लाह जारी हो जाएगा। कहीं आप ख़ुद को पंजाब और सिंध के प्लेन्स में, कहीं बलोचिस्तान की कोहे सुलेमान में, और कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ के ऊंचे पहाड़ों में महसूस करेंगे। तकरीबन 2.25 घंटे के सफ़र के बाद हमें एक बहुत बड़ी झील नज़र आई जिसे देखते ही ज़ुबान से बेसाख्ता निकला, लेकिन साथ ही हमें एहसास हुआ कि खब की लेक अभी 9 किलोमीटर आगे है। अगर ये खब की लेक नहीं तो फिर कौन सी लेक है? कुछ तो गड़बड़ है दया। इस गड़बड़ का एहसास उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ गया जब हमने देखा कि एक गांव आधे से ज्यादा इस लेक में डूबा पड़ा है। जब लोकल लोगों से मालूम किया तो हमें पता चला ये जनाब बिल्कुल नई लेक फॉर्म हुई है। यहीं पे हमने भी लोकल्स से पूछा है तो उनका कहना है जी कि अगस्त में कोई बड़ी ज़बरदस्त बारिश आई थी यहाँ पर, तो ये वैली ऐसी है इसके दोनों तरफ पहाड़ हैं और पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सो जी ऊपर से जो बारिश होती है वो वैली में जमा होती है, इसी तरह बारिशों से ही जो है वो आगे खब की लेक बनी है और उससे आगे उचाली लेक बनी है। तो ये एक नई लेक बन गई है और लोकल्स यही बता रहे हैं जी कि ये लेक बड़ी होती जा रही है। फैक्ट ये है कि सून वैली में पहाड़ों से आने वाले पानी के निकलने की कोई जगह नहीं। ये पानी या तो ह्यूमन और एनिमल कंजम्पशन से कम होता है या एवेपोरेशन के अमल से। लास्ट ईयर की तूफ़ानी बारिशों से बनने वाली ये झील अब तेज़ी से बड़ी हो रही है। इस लेक की चौड़ाई 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो चुकी है। पानी यूँ ही बढ़ता रहा तो खदशा यह है कि ये लेक खब की लेक से जा मिलेगी और तकरीबन 5 किलोमीटर से भी बड़ी लेक वजूद में आ सकती है। दुआ है कि अल्लाह इस इलाके के लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन। खब की लेक नई लेक से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर है और लेक आपको दाएं जानेब गहराई में नज़र आ जाएगी। सड़क काफ़ी ऊंची है और लेक तक पहुंचने के लिए आपको सीधे हाथ पर एक टर्न लेना होगा और फिर एक बल खाती हुई पतली सी सड़क आपको सीधा नीचे लेक पर ले जाएगी। वहाँ आप 50 रुपये में गाड़ी पार्क कर सकते हैं और फिर लेक पर सैर कर सकते हैं। ये है दोस्तों मशहूर खब की लेक। ये जनाब सोन सकेसर वैली है, सॉल्ट वाटर लेक है, खुशाब डिस्ट्रिक्ट बनता है, सॉल्ट रेंज है। यहाँ पर इसको उछाली वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और ये एक डेजिग्नेटेड रामसर साइट है। रामसर साइट के बारे में मैं आपको बता दूं कि
यूनेस्को जिस जगह को बहुत इम्पोर्टेंट समझती है, तो एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के एतबार से उस वेटलैंड को बचाने के लिए एक मुआहिदा किया जाता है, उसे रामसर साइट कहते हैं। तो रामसर साइट जो है वो रामसर कन्वेंशन, ये एक इंटरनेशनल जो है मुआहिदा है, उसके ज़रिए जो है वो हम इस इम्पॉर्टेंट रिसोर्स को बचाने की कोशिश करते हैं। तमाम टूरिस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पीछे इन्होंने TDCP वालों ने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, तो साइट सीइंग और बर्ड वॉचिंग के लिए इन्होंने एक बर्ड वॉक भी बनाई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त, और अच्छी लैंडस्केपिंग है यहाँ की, आपको दिखाते हैं। जी कैसर भाई, कैसी लगी जगह? बेहतरीन शुभ भाई, मुझे तो ये जगह बहुत ही प्यारी लगी है। नाइट व्यू भी इसका हो सकता है अच्छा ही होता है, और एक इस टाइम भी जो हवा चल रही है झील के साथ। बिल्कुल, ये जो लाइट्स लगी हुई हैं ये जब ऑन होती होंगी बिल्कुल स्ट्रेट इस लाइन में। इनमें फैमिली भी है, फैमिलीज के लिए भी अच्छी जगह है। काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल है, साफ़ सुथरी हवा है, साफ़ सुथरा पानी है, साफ़ सुथरी बोट वॉक है। मैं आपको पानी की कंडीशन दिखाता हूँ यहाँ पर। यह देखें जनाब, पानी की कंडीशन कुछ इस तरह की है, साफ़ सुथरा पानी है, इसके ऊपर झाड़ियाँ और पत्ते हैं, बाकी बिल्कुल साफ पानी है। सुभान अल्लाह जी, अल्लाह ताला के करिश्मे हैं सारे, अल्लाह ताला का कमाल है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काफ़ी या तो स्लो आए हैं या बहुत बड़ी झील है। झील बड़ी है, जी। तो जनाब, खबकी लेक का साथ था बस इतना ही, उम्मीद है आपको काविश पसंद आई होगी। अब हम जाएंगे उचाली लेक, हमेशा खुश रहें और खुश रखें, अल्लाह आपके हिलाल रिस्क में बरकत अदा फरमाए, आमीन सुमामीन। सून लेक उचाली पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दस्तार बांधे हुए काबाए इश्क तू, मैं तेरे चार सू, काबाए इश्क तू, मैं तेरे चार सू, तू असर मैं दुआ, तू पूजा मैं पूजा, मुस्तफा मुस्तफा।